प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस में देश का सबसे अनोखा प्लांट शुरू हो गया है। इस प्लांट में कचड़े से कोयला तैयार किया जा रहा है। वाराणसी में काम कर रहा यह प्लांट अपने आप में अनोखा है और देश का पहला प्लांट है जहां शहर से निकलने वाले कचड़े से कोयला तैयार हो रहा है। NTPC ने इस प्लांट को लगाया है और नगर निगम के सहयोग से इसके संचालन का काम कार्यदायी संस्था मेकाबर बीके कर रहा है। वाराणसी के रमना में 16 एकड़ में बना यह प्लांट ऐसी तकनीक से तैयार हुआ है जिससे आसपास के लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी और न ही कूड़े कचरे की दुर्गंध लोगों को परेशान करेगी। माना जा रहा है इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात देश को दे सकते हैं। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त NP सिंह ने बताया कि वाराणसी में यह प्लांट PM मोदी के स्वच्छता अभियान के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता के प्रति जो भाव है उसके क्रम में आज बनारस काफ़ी भाग्यशाली है जहां पे देश का पहला वेस्ट टू चारकोल प्लांट यहां पे NTPC के सहयोग से लगाया जा रहा है। यहां 3 रिएक्टर बन रहे हैं। एक एक रिएक्टर की जो क्षमता होगी वो लगभग 200 टन के आसपास की होगी। ये टोटल 600 टन का हमारा प्रोजेक्ट है। ये NTPC इसका पूरा निर्माण कर रही है और NTPC के द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा। इसमें जो भी कूड़ा आएगा उसको जलाने के बाद जो उसके जो पेलेट्स बनेंगे वो NTPC के द्वारा अपने जो ऊर्जा संयंत्र होते हैं उसी में इसको खपाया जाएगा और वो इको ग्रीन टाइप का होगा जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, प्रदूषण रहित होगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके आने से पूर्वांचल की जनता को काफ़ी लाभ भी पहुँचेगा। साथ ही जो हमारा वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट, जो पुराना प्लांट हमारा जो कड़सड़ा में चल रहा है, उस पर जो दबाव पड़ रहा है वो भी दबाव काफ़ी हद तक